प्रेस लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज नीक एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन जॉब न्यूज। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में जॉब्स प्रोवाइड कराता है। तो फिर चाहे आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो गाइज, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट से, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तभी आपको फ्री में जॉब्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल एक ऐसा एकमात्र प्लेटफॉर्म है गाइज जो आपको प्राइवेट जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और स्पेशली फॉर जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स है, विदर्भ रीजन से आते हैं, चाहे आप नागपुर से बिलोंग करते हो, पुणे, नाशिक, कोल्हापुर, औरंगाबाद, गोवा या वर्धा, भंडारा या कहीं से भी, या फिर आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जस्ट लाइक टेन से लेकर पास स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएशन तक के सभी के लिए हमारे पास जॉब होते हैं गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी लॉकडाउन चालू है, चाहे आप महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो, कहीं से भी हो, हर तरफ लॉकडाउन चालू है, लेकिन फिर भी एक इजी वे टू अप्लाई ऑनलाइन न्यूज चैनल ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बना था गाइस कि आप जैसे लोग जो कि बिना जाए, ताकि आप जैसे जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट जो घर बैठे एक इजी वे टू अप्लाई कर सके। ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल का मोटो ये था, एक इजी वे टू अप्लाई, ताकि आप लोगों के मनी सेविंग हो सके, एनर्जी सेव हो सके और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम सेव हो सके और फिजिकल एंड मेंटली हरासमेंट जो होता है गाइस वो तो एक अलग ही बात है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो इन सभी से बचने के लिए गाइस ये चैनल आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। तो हो सके जितना से जितना ज़्यादा जो सच में नीडी है, जिसको सच में जॉब्स की ज़रूरत है गाइस, उन लोगों तक के शेयर कीजिए। भले आप सब्सक्राइब मत कीजिए, मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, लेकिन प्लीज़ गाइस ऐसे स्टूडेंट को ज़रूर बताइए जो सच में जॉब ढूंढ रहे और जिनको सच में जॉब्स की नीड है। हो सकता हो 5,000 की हो, 8,000 की हो, किसी के लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखती होगी गाइस, लेकिन सबकी नीड आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको क्या ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जाइए और बताइए, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, चाहे वो आपके भाई बहन हो या रिलेटिव्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड या कोई भी हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आज की जो जॉब जोन है वो काफ़ी सारी डिफरेंट जोन से वैकेंसीज आई हुई है, जैसा आप देख सकते हो। और ये खास करके जो ऑल ओवर महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के, जो विदर्भ जोन के कैंडिडेट है, उनके लिए है। और पहले बता दूं गाइस कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज ओवरऑल टोटल विदर्भ की जॉब्स मैंने कलेक्ट इस वीडियो में बताई है। तो बी पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है आप कोई ना कोई जॉब कैटेगरी में फिट बैठ जाए और तभी आप अप्लाई कर सके। तो गाइस मैं जॉब नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, तो आपको ध्यान देके देखना है। सो दोस्तों, आज की जो फर्स्ट वैकेंसी आ रही है वो अपने महाराष्ट्र गोवा से आ रही है। देखो गाइस, आपको अगर जॉब सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, हैशटैग ऑनलाइन, जैसे ये गोवा का जॉब है तो आपको हैशटैग ऑनलाइन जॉब या फिर आप हैशटैग नीक जॉब करके भी सर्च देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट वैकेंसी है वो वीएम सालगांव का कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो इसमें जूनियर ऑफिसर अकाउंटेंट्स के लिए पोस्ट है या और हाउसकीपर के लिए पोस्ट निकली हुई है गाइस। तो अगर आपको जूनियर ऑफिसर अकाउंटेंट के लिए अगर अप्लाई करना है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने कॉमर्स से अगर डिग्री ली हुई है, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस है 2 to 3 years का, फ्रेशर्स है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहेगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सो गाइस, आपको साथ ही साथ अगर एमएस ऑफिस और इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में कोई को लैंग्वेज जैसे कोंकणी और मराठी, उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज आती हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो सेकंड नंबर की जॉब है हाउसकीपिंग के लिए, उसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आपने अगर हाउसकीपिंग मैनेजमेंट के से अगर आपने डिग्री ली हुई है और साथ ही साथ आपको अगर एक्सपीरियंस है हाउसकीपिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, मैसेज पढ़ते आना होगा, या फिर आपको मराठी या कोंकणी दोनों में से एक लैंग्वेज भी आती है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा गाइस, आपको विद इन 7 days के अंदर अंदर आपको hrd@vsmsalgaonkorporation.com इस पे आपका रिज्यूम सेंड कर देना है। इस जॉब का जो हेड ऑफिस है वो है मुर्गा स्टेट ऑफ एयरपोर्ट रोड कैलकियम गोवा, या देख सकते हो।
सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है ये भी गाइस गोवा से है, विलेज ऑफ पंचायत एक्वेरियम बैस्को की तरफ से। सो गाइस यहां आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। सो गाइस ये जो वैकेंसीज है ये जो वैकेंसी है ये निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन के लिए। सो गाइस आपको बता दूं कि ये परमानेंट टाइप ऑफ पोस्ट है, ये दोनों भी जो पोस्ट मैंने आपको बताई है ये दोनों भी पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, सो आप लाइटली मत लीजिएगा। तो अगर आप दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर सच में इंटरेस्टेड हो तो आपको करना क्या है, आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब लेकर साथ ही साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो आईडी प्रूफ, अटेस्टेड कॉपी एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के साथ एंड आपके दो भी सर्टिफिकेट्स हो गए विद 15 ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप 15 ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंट इन गोवा से हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पासपोर्ट साइज फोटो लेके आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है विलेज पंचायत एक्मेंट नवीलिन स्केलचेट गोवा। सो 24 अप्रैल के पहले पहले आपको 4:30 से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको यहाँ पे पोस्ट करना है या फिर आप डायरेक्ट जाके भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो लोअर डिवीजन के लिए तो सबसे पहले तो जो क्लर्क के लिए आप अप्लाई करने वाले हो तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो आपको 12th पास होना जरूरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th पास हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास डिप्लोमा है इन कंप्यूटर में, डिप्लोमा होना आपके पास कंप्यूटर में। और तीसरी बात आपको टाइपिंग आने आना भी इन स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट तभी आप, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश और ओपनिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, जो पियोन के लिए पोस्ट है, उसके लिए आपको एसएससी मतलब 10th पास अगर हो और आपके पास नॉलेज है, नॉलेज इंग्लिश और कोंकणी लैंग्वेज का या फिर मराठी का, और आप मल्टीटास्किंग नॉलेज ऑपरेशन कर ऑफिस कर सकते हो मतलब कंप्यूटर चला सकते हो, तो चाहे जो भी कंप्यूटर छोटा मोटा वर्क्स होता है वो अगर आपको आता है और आपकी एज 18 से लेकर 14 के बीच में आती है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सो बस यहाँ पे इन्होंने 7 तौर पे कहा है, अगर एप्लीकेशन में आपका कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दो या फिर आपका जो एप्लीकेशन होता है वो इनकम्प्लीट अगर आता है तो आपका सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसमें कोई। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको डीएडीए ट्रेवलिंग अलाउंस और डीएल अलाउंस कुछ भी नहीं देंगे। और ये जो जॉब है दोनों भी परमानेंट जॉब जाएगा और इसकी जो पे स्केल होगी वो दोनों के लिए 5200 से लेकर 20200 तक के प्लस ग्रेड पे 1900 लगभग 25-30 की आपकी जॉब हो जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, सो गाइस ये जो थर्ड वैकेंसी आ रही है ये आ रही है जलगांव की तरफ से, दी हस्ती कॉर्पोरेशन बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से गाइस ये वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट निकली हुई है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए है गाइस, लाइक इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, कर्ज विभाग, मैनेजमेंट एंड मैनेजर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन है, आप जैसे लाइक ब्रांच मैनेजर, जूनियर मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ये जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जैसे कि आप वर्जीनिया मतलब डिग्री, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन है आप देख लो। मैं अगर सबको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। सो यहाँ पे डिफरेंट और बैंक ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर के लिए पोस्ट है गाइस, आप ये पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। बाद में कंप्यूटर आईटी मैनेजर, आईटी मैनेजर और आईटी ऑफिसर के लिए है। इसके बाद में वसूली अधिकारी मीन्स कलेक्शन ऑफिसर होता है गाइस, और साथ ही साथ बैंक क्लर्क के लिए है, जो ये मैं जरूर बताऊंगा, ये बैंक जो क्लर्क है उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है गाइस वो आपको 12th पास है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो 10th पास 12th पास के लोगों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, अदर देन क्वालिफिकेशन के लोगों को ये तो पता ही होता है। सो गाइस अगर आप 12th पास हो और वो भी फर्स्ट ग्रेड में, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स से हो या इकोनॉमिक्स से हो या फिर आपने कंप्यूटर किया हो साथ ही साथ में, और आपको आपने अगर 6 मंथ का डिप्लोमा अगर कोर्स किया है टाइपिंग में इंग्लिश या फिर मराठी में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और आपकी जो एज है वो 32 ईयर्स के अंदर होना चाहिए गाइस आफ्टर 20। तो ये जो पोस्ट है कहाँ कहाँ के लिए इंक्लूड है गाइस, यहाँ पे धूड़े, नंदुरबार, जड़गांव, अगर इन डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो और आपकी ये ढोड़े नंदुरबार जलगांव के अगर आसपास कहीं रहते हो और आपको जॉब सच में जॉब ढूंढ रहे हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको करना है क्या गाइस, आपको 20 अप्रैल के पहले पहले आपको अपना रिज्यूम के साथ साथ आपका जो सर्टिफिकेट से लेके और आपका पासपोर्ट साइज फोटो लेके वो सभी लेके आपको आपको आपका रिज्यूम और जो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज लेके वो फोटो के साथ recruitment@hastibank.org फिर से सुन लीजिए गाइस, recruitment@hastibank.org पे आपको सेंड कर देना है या फिर यहाँ पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8888 5x8 है, बाद में 91643। तो और यहाँ पे लैंडलाइन का भी नंबर है गाइस, आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेके देख लेना और आप कॉल करके जा सकते हो। सो गाइस इसके बाद जो पोस्ट आ रही है वो आ रही है 4th नंबर की अपनी वैकेंसी, जैसा कि आप सर्च कर सकते हो #onlinegovernmentjobs करके, ये SBI की तरफ से आ रही है गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जो इसका जो मेन ब्रांच है मुंबई में वहाँ से वैकेंसीज आ रही है। सो यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, चीफ असिस्टेंट ऑफिसर, एडवाइजर, फ्रंट मैनेजमेंट, मैनेजर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे मैनेजमेंट, एनालिसिस, सीनियर स्पेशलिस्ट, यह दिया है गाइस टोटली मैंने, तो आप देख लो, डिफ्टी चीफ टेक्नोलॉजी मैनेजर, मैनेजमेंट,
तो ऐसा पूरा टोटल 22 नंबर्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने कितने पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो 67 क्लर्क के लिए है गाइस। तो ये क्लर्क का है जो है फार्मासिस्ट जो है 67 के लिए पोस्ट निकली हुई है, साथ ही साथ वहाँ पे 40 मैनेजर के लिए, क्रेडिट एनालिस्ट मैनेजर के लिए 45 पोस्ट है। तो यहाँ अच्छी खासी वैकेंसी है गाइस। सो गाइस आपको करना क्या है, इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपका जो आपको ये जो लिंक दी हुई है, आपको ये लिंक पे क्लिक करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको इस वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आपको आपको अगर इस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो ये इन्होंने लिंक दी हुई है। जैसे आप लिंक पे जाते हो, जैसे करियर सेक्शन में जाते हो, तो करियर सेक्शन में जाने के बाद में आपको करना क्या है गाइस, एक्शन पे क्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट अस के बाद में पोस्ट योर क्वेरी में आपको अगर इस रिलेटेड कुछ भी जानकारी होना है एक्स्ट्रा में तो आप वहाँ पे उनको पोस्ट बोल सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बोल सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो फिफ्थ नंबर की अपनी वैकेंसी होगी गाइस। तो ये जो वैकेंसी आ रही है गाइस, ये आ रही है पुणे से। तो आपके लिए इसके लिए हैशटैग ऑनलाइन पुणे अगर आप सर्च करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा, तो जॉब की वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो है गाइस, ये आ रही है बीएससी जीएनएम और एएनएम, इनमें से आपने किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग के लिए और अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट भी हो तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है गाइस, ये हॉस्पिटल के लिए है, तो महाराष्ट्र सेशन है उसके, ससून सर्वोपचार रुग्णालय पुणे। तो इनका यहाँ पे पोस्ट करियर जोन स्क्रूटिंग पुणे मार्फत, यह करियर जोन स्क्रूटिंग LLP पुणे मार्फत ये जो वैकेंसीज है वो फिलअप की जा रही है गाइस। जैसा सफाई कामगार, कक्ष सेवा, अगर आपने अगर 7 पास भी हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा मौका है गाइस। तो ये कहाँ है, ससून सर्वोपचार रुग्णालय पुणे में, आप गूगल में डालिए गाइस, गूगल मैप पे आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है गाइस, 10 से लेकर 5 बजे तक के आपको डायरेक्ट ये हॉस्पिटल जाके आपको इंटरव्यू दे सकते हो। और लेकिन जाने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है गाइस कि लॉकडाउन चालू है, तो आप इस नंबर पे या नीचे दिए हुए 3 नंबर्स है गाइस, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, पूछिए और फिर आप कंफर्मेशन होने के बाद में ही जाइए। तो गाइस नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, वो आ रही है 6 नंबर की अपनी आपकी वैकेंसी, वो भी महाराष्ट्र पुणे से आ रही है गाइस। तो ये रीजनल मैनेजर के लिए फॉर महाराष्ट्र। तो ये जो जॉब गाइस स्थित है, ये जो कंपनी है ये पुणे से है, देवी को क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से गाइस ये जॉब आ रही है। तो गाइस ये एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनी है, एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी है, जो डू फ्लावर्स ऑफ अल्ट्रा एंड ऑल्सो डेवलपिंग क्वालिटी बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे इनकी जो काफी सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में, जो बायो फर्टिलाइज करती है। तो इनका जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट रीजनल मैनेजर की जो पोस्ट है इनकी, वो आ रही है फॉर महाराष्ट्र के स्टेट अकोला के लिए, अकोला के हेडक्वार्टर्स के लिए इनको रीजनल मैनेजर की जरूरत है गाइस। और साथ ही साथ आपको 4 to 5 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है एज अ फ्रंट लाइन मैनेजर में इन रिपोर्टेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश में अगर फ्लुएंसी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो साथ ही साथ अगर आपको आपके पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको तो फिर आपको और आपकी पकड़ अच्छी है और आप फ्रंट लाइन एज मैनेजर पहले भी काम कर चुके हैं तो आपको एक अच्छा मौका है और अच्छी सैलरी आपकी दी जाएगी एज पर आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको आपका रिज्यूम जो है गाइस वो आपको ईमेल आईडी है sunilpd@devicropscience.com पे आपको सेंड कर देना है, या फिर आप dlcppune@yahoo.com पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, आप लैंडलाइन नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। इनका ये हेड ऑफिस पुणे में है, कुद्रुड में, आप देख सकते हो यहाँ। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 7 नंबर की, आज की वैकेंसी वो आ रही है CTC। तो ये गाइस यहाँ पे औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, ऑल ओवर महाराष्ट्र के डिफरेंट वैकेंसीज है। जैसा कि मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए, मार्केटिंग इंजीनियर के लिए, इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे 3 पोस्ट है यहाँ पे औरंगाबाद, पुणे, नाशिक बेस के लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए। अगर आपने मार्केटिंग में अगर आपने कुछ किया है या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल से डिग्री है तो साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी एज लिमिट जो है वो आपको 38 के अंदर होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके लिए मार्केटिंग इंजीनियर के लिए, तो यहाँ पे जो पोस्ट है 6 पोस्ट है, तो यहाँ पे औरंगाबाद, पुणे, नाशिक बेस्ड जोन में है। अगर आपने मार्केटिंग में अगर इंजीनियरिंग किया है या फिर आपने डिप्लोमा भी अगर किया है इलेक्ट्रिकल में और आपको 5 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है किसी भी अच्छे रिकमेंडेड कंपनी से आप एसोसिएट हो और तो आपको इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो विदिन 15 डेज के अंदर और आपकी एज 27 ईयर्स के पहले अगर आते आपको 27 ईयर्स के हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी है इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए, यहाँ पे भी 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट है, एक अच्छी खासी वैकेंसी है औरंगाबाद, पुणे और नाशिक बेस के लिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स का। मैं चाहूंगा अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सस्पेंस ऑटोमेशन इलेक्ट्रॉनिक सब्सटीट्यूशन के लिए भी है, तो इसके लिए जो इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है वो 28 ईयर्स के पहले पहले और विदिन 15 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो भी फैक्ट्री मैनेजमेंट लीडर टीम लीडर में, फैक्ट्री मैनेजमेंट और मैनेजर और टीम लीडर। तो यहाँ पे 2 पोस्ट है गाइस, यहाँ पे औरंगाबाद बेस से है गाइस,
ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे, यहाँ इनकी पोस्ट जो जॉब लोकेशन रहेगा आपका, तो गाइस यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपने अगर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा किया है विद इन अप टू 10 इयर्स का अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है विद परचेस और प्लानिंग एक्टिविटीज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहेगी, आप देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो फिर बाद में जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैनेजर है गाइस, इसके लिए जो दो पोस्ट निकली है वो एक पुणे और नासिक बेस्ड के लिए, तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री इन मैकेनिकल में किया और आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है लाइक आपको डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जिग्स फिक्सचर ऑटोमेशन प्रिपरेशन स्पेसिफिकेशन और वर्क इंस्ट्रूमेशन इन सभी का अगर आपको नॉलेज है और आपकी एज 32 इयर्स से पहले पहले अगर आती है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने कहा है कि सभी पोस्ट के लिए इंप्लॉयमेंट सर पर इंडस्ट्री गुड ग्रोथ आपके लिए आपका जो करियर अच्छा करियर होगा, साथ ही साथ जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको आपको अपना रिज्यूम यहाँ पे सेंड कर देना है ACP11041@CTR.in पे। तो कोई भी गाइस आप इन सभी वैकेंसीज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ये CTR की तरफ से वैकेंसी है, CTR की कोई भी वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अपना आपका रिज्यूम या यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है, या ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूम पोस्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है फिर उनको उस पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा गाइस। तो जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, जो भी पुणे से बिलोंग करते हैं पुणे नासिक औरंगाबाद इन सभी के लिए जॉब्स है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो नेक्स्ट वैकेंसी अपन देखते हैं, वो है 8 नंबर की वैकेंसी अपनी, ये आ रही है महाराष्ट्र की तरफ से, यह सुनैया कंसल्टेंट की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, तो जो फर्स्ट वैकेंसी है वो फीमेल के लिए मिली है, अगर आप मैरिड हो और आपको वर्क एक्सपीरियंस है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के लिए गाइस। सेकंड वैकेंसी है वो डाटा मैनेजमेंट के लिए है, तो अगर ये मेल कैंडिडेट के लिए है, अगर आपको एक्सपीरियंस है MIS में और आपको नॉलेज है गूगल का, गूगल शीट का और एक्सेल में, तो आप अगर इससे फेमिलियर हो मतलब आपको सब नॉलेज है या फिर पता है तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो थर्ड नंबर की वैकेंसी है गाइस प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की, तो यहाँ ये फीमेल के लिए है, विद इन 0 to 2 फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये PC अगर प्रोसेस कोऑर्डिनेशन के लिए आपको अगर MS Excel का अगर नॉलेज है तो आप अपना रिज्यूम इन तीनों में से कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका पोर्टफोलियो आपको सुनैया 111@redditmail.com पे भेज देना है, या फिर आप ये व्हाट्सअप नंबर दिया है गाइस, इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो या डायरेक्ट अपना रिज्यूम व्हाट्सअप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो। तो इसके नंबर बात की जो वैकेंसी है 9 नंबर की वैकेंसी है, तो गाइस ये जो पोस्ट आ रही है ये आ रही है महाराष्ट्र सातारा से करट से, तो ये है आदित्य इंजीनियर की तरफ से गाइस यहाँ पे जॉब्स आई है जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता है, जस्ट लाइक आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 100 मेगावाट का जो इनका सोलर जो भी प्रोजेक्ट है गाइस उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी आई है। जैसा फर्स्ट वैकेंसी जो है यहाँ पे साइट इंजीनियर के लिए है, जिसमें अगर अपने सिविल में अगर अपने इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल में अपने डिप्लोमा डिग्री अगर की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ लेना। सेकंड जो वैकेंसी है यहाँ पे ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको अपने कोई भी फील्ड में अगर आपके पास अगर डिग्री है तो चलेगा, लेकिन आपको टैली वर्ड और कंप्यूटर इसका नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सब नॉलेज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन के लिए जॉब है, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए जो करड इनका जो एक करड में है, यहाँ से होटल में इलेक्ट्रिशियन की इनको जरूरत है। तो और बाद में 4 नंबर की जो वैकेंसी है वो केयर टेकर, मतलब एक केयर टेकर होता है होम केयर टेकर, जैसा अपने घर में हाउस वर्कर होते हैं ना उस तरह से। तो ये भी गाइस ये करंट से अगर आप आसपास से हो तो आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट है 5 नंबर की जो पोस्ट है गाइस ये ड्राइवर के लिए है, वो LMB HV, अगर आपके पास LMB और HV की अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करना है गाइस, आपका जो भी रिज्यूम है आपको करना क्या है, यहाँ पे sudhir@aditya.groups.com पे अपना रिज्यूम भेज देना है, या फिर आप मोबाइल नंबर्स नीचे दिए गए ये 2 मोबाइल नंबर्स है गाइस, ये मोबाइल नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे देख लेना और फिर आराम से भर लेना। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो अपनी आज की 10th नंबर की वैकेंसी है, ये आ रही है कोल्हापुर की तरफ से। तो इसके लिए आपको #onlinekolhapur सर्च करना है तो आपको जॉब मिल जाएगी। सो गाइस ये जो वैकेंसी है ये शरद सहकारी शुगर फैक्ट्री की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है, और एक अच्छा खासा मौका है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो बिलोंग करते गाइस। तो जैसा कि आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये चीफ इंजीनियर के लिए पोस्ट निकली है। अगर आपने बी और एमई में से कोई भी अगर किया है, कोई भी डिग्री आपके पास है मैकेनिकल बॉयलर के लिए एज अ प्रोफेशन पास, तो ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 4000 से लेकर 5000 के अंदर मेगावाट का इनका प्लांट है प्रतिदिन गणित क्षमता। अगर आपके पास 5 to 10 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, तो आपके बायोडाटा में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी जो एक्सपीरियंस बेस्ट पे जो आपकी CTC थी, जो आपकी सैलरी थी और आपकी डिमांडिंग सैलरी, इन सभी कुछ आपको आपके रिज्यूम में डालना है। और फिर बाद में आपको within 7 days के अंदर अंदर गाइस, लेकिन आज से लेकर वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ within 7 days के अंदर अंदर sharad@shankar@redditmail.com पे आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है गाइस। सो गाइस अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, जो अगर आप हमारा जो कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, तो उस तरह से आपको आपके जो भी एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो भी आपको दिए जाएंगे, या ऐसा बताया गया है। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो 11 नंबर की वैकेंसी आपकी अपनी, तो चलो देखते हैं। तो ये आ रही है सोलापुर से, तो
मेरे सोलापुर से जॉब है गैस, तो यहाँ पे हाउसमैन रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए, हाउसमैन और रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए पोस्ट निकली है गैस। यहाँ पे इनको क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आपने MBBS BAMS BHMS से अगर आपने जो डिग्री हासिल की है और अपने प्रेफरेंस जो अगर आपके पास ICU के पेशेंट्स का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और आपकी जो ड्यूटी होगी गैस वो 8 आवर्स की, 12 आवर्स की और 24 आवर्स, तो आपको आप आपके हिसाब से प्रिफेयर कर सकते हो कि किस तरह से आपकी आवर्स ड्यूटी हो सकती है, मतलब 24 घंटे की जॉब है गैस ये। तो इसके बाद में जो है उसी में जो नेक्स्ट वैकेंसी है स्टाफ नर्स के लिए है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो अपने अगर BSc बैकग्राउंड, जो BSc में आपने नर्सिंग किया है या फिर GNM और ANM में आपने डिप्लोमा अगर किया है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट भी हो जिन्होंने जस्ट अभी अपना GNM और नर्सिंग का कोर्स अगर डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिनको भी अगर अप्लाई करना है तो करना कुछ नहीं, आपका जो रिज्यूम होता है ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल का मोटो ही था जो इजी वे टू अप्लाई, तो आपको गैस आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये नीचे दिए गए एड्रेस पे यहाँ चले जाना है गैस। तो आपको कहाँ जाना है, अश्विनी शारकर रुग्णालय अनी सुमंदगर करद डिस्ट्रिक्ट सोलापुर से। तो गैस यहाँ पे आप अगर गूगल मैप पे अगर आप ये एड्रेस डाल देते हो तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे सर्वे नंबर से लेकर सब दिया हुआ है, प्लॉट नंबर से लेके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सोलापुर के आसपास रहते हो तो आप प्लीज़ इस जॉब के लिए जा सकते हो। और आपको इस जॉब की अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे वेबसाइट दिया है www. आप ये हॉस्पिटल देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप अपना रिज्यूम ईमेल ashwini@yahoo.com पे भी आप भेज सकते हो। सबसे ईजी भी यही होगा गाइस कि आप अपना रिज्यूम लीजिए, फिलहाल लॉकडाउन चालू है तो आप अपना रिज्यूम या मेल आईडी पे आप सेंड कर दीजिए। आपको फीडबैक आता है तो भी आप जाइए, आपको फीडबैक अगर आता है तो समझ लीजिए 50% चांसेस आपके वही फिक्स हो जाते हैं कि आपको बुलाया है, इट्स मीन्स वो आपको लेने में इंटरेस्ट है, बाकी फिर आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। सो गाइस जिसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 12 नंबर की वैकेंसी, ये है 54 उद्योग समूह की तरफ से। तो इनको जरूरत है लीगल एडवाइजर की। अगर आपके पास LLB क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ आपको अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कोर्ट केस में तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो। आपको करना कुछ नहीं, आपका जो रिज्यूम होता है वो 54motors.hr@gmail.com पे आपको भेजना है। ये जो वैकेंसी आ रही है ये होटकी रोड सोलापुर की तरफ से आ रही है गाइस। तो अगर आप सोलापुर के आसपास से हो और एक लीगल एडवाइजर के लिए अगर काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे काफी सारे काम रहते हैं लीगल एडवाइजर के, जो आपको बताना पड़ता है कंपनी को इस तरह के 54motors को है तो काफी कंपनी के काफी सारे रिपोर्ट्स और ये सब वो हैंडल करना होता है जो भी एचआर का काम होता है, तो उसमें आप देख सकते हो काफी सारे केसेस को हैंडल करना पड़ सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी आपकी 13 नंबर की वैकेंसी, ये आ रही है गाइस अपना महाराष्ट्र नाशिक से। तो आपको #onlinenashik जॉब सर्च कर लेना है। तो ये किसान, तो गाइस ये जो वैकेंसी है ये डॉक्टर उत्तम राव महाजन कॉलेज ऑफ बी फार्मेसी 40 गांव से है। तो ये जो रिक्वायरमेंट आ रही है ये सब 40 गांव से है। तो इन्होंने कहा है जैसे कि आप देख सकते हो नीचे में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, जैसे लाइक प्रिंसिपल के लिए, प्रोफेसर के लिए, एडवोकेट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए और फिजिकल डायरेक्टर के लिए। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट भी दी हुई है जैसे कि प्रिंसिपल के लिए अगर आपने M.Pharm अगर किया है साथ ही साथ आपके पास PhD का एक्सपीरियंस है वन पोस्ट है, तो यहाँ पे प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट आई है। अगर आपने M.Pharm PhD में किया है फार्मेसी के अंदर तो अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट के लिए M.Pharm अगर फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री अपने किसी में से अगर M.Pharm किया है यहाँ पे 3 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए M.Pharm फार्मास्यूटिक क्वालिटी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में अगर किया है यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। और अपने लेक्चरर्स अगर किया करना है तो आपने M.Pharm और B.Pharm अगर भी किया, B.Pharm भी अगर किया है तो आपको यहाँ 8 वैकेंसीज निकली, आपको पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेक्चर और फिजिकल डायरेक्टर के लिए M.Ped B.Ed अगर किया है तो यहाँ पे 1 पोस्ट है, दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दोनों टाइप के पोस्ट फिलअप कर रहे हैं जैसे कि टीचिंग का स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी पोस्ट है, तो इन्होंने पहले कहा है जो फिलिंग का कैंडिडेट फॉर परमानेंट एंड नॉन ग्रेजुएट, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है गाइस, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर काम करना हो और 40 गांव से आसपास अगर रहते हो तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो गाइस यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो यहाँ पे जगह है वो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अगर आपने B.Pharm अगर BSc किया है तो आप देख सकते हो 6 पोस्ट है। बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अगर 10th पास 12th पास अगर हो आप तो यहाँ पे भी 6 पोस्ट है। अकाउंटेंट के लिए अगर आपने B.Com M.Com टैली अगर किया है तो यहाँ पे पोस्ट है। कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी अटेंडेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, तो यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए M.Com लाइब्रेरी, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए B लाइब्रेरी और क्लर्क के लिए अगर एनी ग्रेजुएटेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्टोर कीपर के लिए B.Com और BSc से अगर आपको तो अप्लाई कर सकते हो। पियोन के लिए 10th और 12th पास हो यहाँ पे 3 पोस्ट निकली है। तो आपकी जो सैलरी होगी ये होगी आपके एक्सपीरियंस बेस पे और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट रूल है उस बेस के आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। अगर आप इन सभी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो within 5 days के अंदर अंदर गाइस आपको या आज से लेकर 5 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, आपका जो भी रिज्यूम होता है गाइस वो आपको करना क्या है, आपको DUMCOPPrincipal@gmail.com पे अपना रिज्यूम भेज देना है या फिर AMC40 40@readymail.com पे आपको रिज्यूम भेज देना है। इस किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप किसी में से एक पोस्ट के लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो ये अच्छा खासा मौका है जो अमरावती से या फिर 40 गांव के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो और फिर बाद में आपको रिप्लाई आता है तो उसके लिए जो इंटरव्यू के जो आपको शेड्यूल होगा उसके लिए आपको ये DAD नहीं देंगे, वो आपको पर्सनल आपके खर्चे के लिए पे जाना है। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो आती है
14 नंबर की वैकेंसी ये आ रही है ओम इंस्टीट्यूट कंपोजाइट की तरफ से। सो गाइस ये नासिक से आ रही है गाइस ये दो वैकेंसी वो ओम इंस्टीट्यूट कंपोजाइट की तरफ से जो है 102 MIDCBH होटल न्यू अंबेशन अंबार नासिक में स्थित है, जो कि आप गूगल मैप पे डाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कंपनी है, तो यहाँ पे डेवलपिंग एग्जीक्यूटिव के लिए जो जिस जगह निकली है वो फीमेल के लिए स्पेशली फॉर। तो आपने अगर क्वालिफिकेशन किया है, अगर आपके पास डिप्लोमा और या फिर आपने डिग्री इलेक्ट्रिकल में किया है या फिर पॉलीमर में, और अगर आपको एक्सपीरियंस है 1-2 ईयर्स का, अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, तो आप डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जा सकते हो। या फिर गाइस ये ध्यान रखिए दोनों पोस्ट जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली, या फिर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। सेल्स बैंक ऑफिस के लिए जो निकली है वो भी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, अगर आप इंग्लिश हिंदी मराठी तीनों लैंग्वेज में आपका अच्छी फ्लुएंसी है और आप फैमिलियर है इंटरनेट, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, मैसेज करना आता है, मतलब एक्सेल जो बेसिक होता है, MScIT अगर आपने की है तो आप इस जॉब के लिए है, और आपकी जो आपने किसी भी कोई भी कोर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ एक्सपीरियंस और प्रेशर दोनों भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। तो करना क्या कैसे, दोनों वैकेंसी के लिए किसी भी वैकेंसी में के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आपको आपका रिज्यूम जो है वो omensutech@gmail.com पे विदिन 7 डेज के अंदर अंदर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आ रही है अपनी 15 नंबर की वैकेंसी गाइस, ये आ गया औरंगाबाद महाराष्ट्र से। गाइस यहाँ पे हैशटैग औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये देखिए गाइस यहाँ पे काफी लोग मुझे पोस्ट कमेंट्स में बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं है, सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब ढूंढो। तो एक अच्छा खासा मौका है जो सिविल इंजीनियर जिनको बैकग्राउंड से पर करता है, अगर आपने सिविल में अगर बी किया हुआ है और एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिविल इंजीनियर आपने बी और बीटेक किया है तो जो बिलिंग्स के वर्क अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो 3rd नंबर की वैकेंसी है वो है अकाउंटेंट के लिए, जो आप अगर अपने टैली TDS GST डेली रिपोर्टिंग अगर इसमें आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपना इन तीनों में किसी भी इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको व्हाट्सअप करना है आपका रिज्यूम, या यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप आपका रिज्यूम व्हाट्सअप कर दीजिए, रिप्लाई आता है तो फिर आप जाइए। जो नेक्स्ट वैकेंसी है इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो 16 नंबर की वैकेंसी है, वो आती है प्रभात किड्स स्कूल अकोला की तरफ से गाइस, ये अकोला में जॉब है गाइस। तो ये जो यहाँ पे जो दो पोस्ट निकली है ये रिक्वायर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दो पोस्ट निकली है गाइस, जो वाशिंग रोड पे है अकोला कैंडिडेट के लिए एक अच्छा मौका है गाइस यहाँ पे। तो अगर आपने मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में किया है या आपको वेब एप्लीकेशन चलाना आता है, टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिमिलर अगर आपके रिक्वायरमेंट है, तो साथ ही साथ अगर आप किसको सर्टिफिकेट नेटवर्क एसोसिएट और किसको सर्टिफिकेट नेटवर्क प्रोफेशनल अगर है आपके पास है तो आपको एडवांटेज रहेगा। और साथ ही साथ आपको नॉलेज होना है लिनक्स टेक्नोलॉजी का, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लिनक्स ओरल ये सभी लैन वैन इंटरनेट प्रोटोकॉल CCTV इंस्टॉलेशन DVR, तो ये आप सभी देख लेना गाइस। तो आप ये ऊपर गए पोस्ट में से अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन अगर है और आप फिट बैठे हो तो आपको करना क्या है, विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको अपना रिज्यूम जो है ये नीचे दिए गए नंबर्स पे आप सेंड कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है prabhatkids@gmail.com पे, या फिर आप www की जो वेबसाइट है यहाँ पे भी आप वेबसाइट पे भी जाके आप वैकेंसी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आ रही है 17 नंबर की वैकेंसी, वो जो है ये गाइस अकोला की तरफ से आ रही है, रिक्वायरिंग रियल एस्टेट कंपनी, जो रियल एस्टेट कंपनी है उनको एक पार्ट टाइम ग्राफिक आर्टिस्ट प्लस वीडियो एडिटर की जरूरत है गाइस। अगर आपके पास अगर मौका है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना आता है या फिर आपको ग्राफिक्स डिजाइन करना है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हो। तो आपको अगर इसमें एक्सपर्टिंग एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनिंग, जो भी आप देख रहे हो डिजिटल में जो मार्केटिंग होती है उसमें से सब काफी सारे क्राइटेरियाज होती है, जस्ट लाइक गाइस आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते हो काफी सारे मेम्स बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं, जो वीडियोस आप लोग देखते हो, फिर मूवीज आप लोग देखते हो, तो वो सब कुछ एडिटिंग का कमाल होता है, एनिमेशन का कमाल होता है, ग्राफिक्स का कमाल होता है। तो ये सब में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोठारी कंस्ट्रक्शन को लिमिट से, और आपका जो रिज्यूम है वो vijay.sriram@gmail.com पे भी आप सेंड कर सकते हो या फिर आप कॉल कर सकते हो ये नंबर पे। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट नंबर आज के अपने वीडियो की लास्ट वैकेंसी है गाइस वो है 18 नंबर की अपनी वैकेंसी, ये आ रही है अहमदनगर से गाइस। तो यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट निकली हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, इन्फॉर्मिंग अदर्स नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, IT सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट। तो अगर गाइस आप सच में जॉब ढूंढ रहे हो और अगर आप अहमदनगर के आसपास से हो और सच में जॉब ढूंढ रहे हो और ये स्किल्स अगर आपके पास सच में रिक्वायर्ड है, तो अगर आपकी इनके लिए आपको क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है, अगर आपने एक्सपीरियंस अगर बी आपने किया हुआ है मीन कंप्यूटर में और आपको 1 से लेकर 3 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई। साथ ही साथ आपको अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर मतलब कैंडिडेट शुड बी एक्सपीरियंस है सिस्टम इंप्लीमेंटेशन डेवलपमेंट विद नॉलेज लैन नेटवर्किंग विंडो MS ऑफिस इस, और अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट भी हो कंप्यूटर तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैंडिडेट विल अडेप्टिलिटी टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि जो आप सिचुएशन है उसको हैंडल कर सके।
तो गाइस अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको सैलरी जो आपका जो सीटीसी रहेगा और आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा उस पर आपके डिसाइड किया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसको आपको आपका रिज्यूम है पोस्ट कर देना है और साथ ही साथ आपको टू पासपोर्ट साइज के फोटो और आपकी जो भी लिविंग डॉक्यूमेंटेशन जितने भी डॉक्यूमेंटेशन उन सबकी जेरोक्स लेके आपको जो यहाँ नीचे ईमेल आईडी दी गई है वो मैंने जानबूझ के कट लिया गया। अगर आप सच में इन पोस्ट के लिए अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिले है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है और कितने लोग कमेंट्स करते हैं, तो ताकि मुझे भी आइडिया मिल सके जो मैं आपके लिए जो ये इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, इतना अपने ढूंढ के इतना कंटेंट बनाता हूँ, तो एक मुझे भी आइडिया हो सके। तो गाइस ये थी आज की सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह के नए इन्फॉर्मेशन के नए इन्फॉर्मेशन और नए वैकेंसीज उसके जानकारी के लिए चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा गाइस, लेकिन आप जरूर शेयर कीजिएगा जो नीडी कैंडिडेट है ताकि उनकी हेल्प हो सके। हो सकता है आपके आपको 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 जरूरत ना हो और आप लोगों लेकिन एक जो रियल में सर्च में अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है गाइस जो भी हो तो उनको जरूर दिखाइएगा, सेंड कीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा ताकि आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस ला सकते हो गाइस। आपके वजह से दूसरे के लाइफ में अगर चेंजेस आते हैं तो आप सोचिए कि आप कितना अच्छा बेटर फील होगा गाइस। तो ये शो करता है कि गाइस आप लोग कितने काइंड हो, कितना वेल बिहेव हो। तो हम सबको मिलकर गाइस अपन जो यूथ सब लोग जो यूथ है आप लोगों के कारण ही चेंजेस आएगा। अगर अभी आप गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर रोते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला गाइस। आप अपना करियर स्टार्ट करने का समय आ चुका है और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सब कुछ बेच चुके हैं, तो अभी गवर्नमेंट को छोड़िए आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना होगा ताकि अपने फैमिली की हेल्प हो सके, आपका आपकी ग्रोथ हो सके और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके। अगर आप सोचते रहोगे गैस तो आप सोचते ही रह जाओगे। सो गैस आने वाले वीडियो में अपन काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, जस्ट लाइक लेटेस्ट टेक्निकल जॉब्स जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बारे में, जैसा कि आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से अगर बिलोंग करते हो आपके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ये सब, और आपका गवर्नमेंट का किसी भी जो आधार कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, आवास योजना होती है, आवास योजना होती है या फिर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म्स, ये सब अपने आने वाले वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा एक बार अबाउट में जाके तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए वैकेंसीज के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, टेक केयर। एंड गाइस ये वीडियो के बाद कम से कम 50 लाइक्स और 50 सब्सक्रिप्शन होने को होना, वरना मैं फिर चैनल बंद कर दूंगा गाइस। अगर आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा मुझे तो फिर पता कैसे लगेगा कि आप जनवन में लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन काम आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे फीडबैक की जरूरत है गाइस। तो आप सपोर्ट दिखाइए जैसा अभी तक आप लोगों ने दिखाते आ रहे हो, तो उसी तरह से ये सबसे बड़ी वीडियो होगी। एक ही वीडियो में मैंने टोटल पूरी वैकेंसीज कवर करने की कोशिश की है ये वीक की गाइस। तो देखते हैं, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।